दोस्तों हम जानते हैं कि जिस तरीके से झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, उसी प्रकार इतिहास में एक और रानी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जिसने मुगलों की सेना में लोहा लेकर अपनी वीरता का परिचय दिया और अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही और अंत में अपने परारों को न्यौछावर करने वाली रानी का नाम रानी दुर्गावती है। दोस्तों जब मुगलों की पकड़ भारत में मजबूत होने लगी और अकबर मुगलों के सिंहासन पर आसीन हो गया तो उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। इस विस्तारवादी नीति की चपेट में रानी दुर्गावती का भी राज्य आ गया। लेकिन वीर और बहादुर रानी कैसे इस अन्याय को चुपचाप सहन कर सकती थी, उसने अकबर से युद्ध करने का फैसला ले लिया और अपने सैनिकों के साथ अकबर की फौज का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ डटी। चारों तरफ से तलवार और तीर चल रहे थे, सैनिकों का शोर इतना था कि चीखें भी उसमें दम ले रही थीं। उसी सैनिकों के वेश में एक महिला भी युद्ध कर रही थी। तीर और तलवार सड़ासर चल रहे थे और मुगलों के सिर शरीर से थड़ाथड़ अलग हो रहे थे। हजारों मुगल सैनिक अपनी जान हाथ धो बैठे थे। उसी दौरान अचानक एक तीर रानी के कंधे पे आ लगा। रानी ने उसे निकाला लेकिन एक और तीर रानी की आंखों में आ लगा। लेकिन रानी मैदान से पीछे नहीं हटी, उसने उस तीर को जल्दी से निकाला और उसके बाद भी रानी युद्ध में टटी रही। लेकिन जब रानी की सेना हारने लगी तो अपने के मुगलों से बचाने के लिए अपने ही कठार से अपने को मौत की घाट उतार दिया, लेकिन मुगलों की गुलामी को कभी भी स्वीकार नहीं किया। ये महिला कोई आम महिला नहीं थी बल्कि एक वीरांगना, एक अच्छी माँ, वीर सैनिक और एक कुशल प्रशासक भी थी, जिसने अपने आखिरी सांस तक मुगलों के सामने नमस्तक नहीं हुई। रानी दुर्गावती का जन्म बांदा जिले के कलिंजर किले में 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। उसी दिन दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए इसके माँ बाप ने उसका नाम दुर्गावती रखा था। दुर्गावती की शादी गोंडवाना राज्य के, जो आधुनिक मध्य प्रदेश का एक भाग है, के शासक राजा संग्राम शाह मडावी के पुत्र दलपल शाह से हुई थी। रानी की सौंदर्यता और पराक्रम के कारण ये शादी हुई। शादी के 4 साल बाद दलपल शाह की मृत्यु हो गई। उस वक्त तो दुर्गावती की गोद में सिर्फ 3 साल का नारायण था। तब रानी ने नारायण के संरक्षक के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। गोंडवाना राज्य पर मालवा के मुगल शासक बाज बहादुर बार बार आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वह बार बार जो है रानी दुर्गावती से हारता रहा। लेकिन अकबर ने अंत में अपने रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर चढ़ाई की और 24 जून 1564 ईस्वी को अंतिम लड़ाई हुई। रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता का परिचय दिया और अपने परार को न्यौछावर कर दिया, लेकिन मुगलों को के सामने नमस्तक नहीं हुई और इस तरीके से रानी दुर्गावती ने जो है अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी।